हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बहुत दिन हो गए काम करते हुए, कभी हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कभी हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो आज क्यों ना कुछ सोशल डिस्कस हो जाए, आज क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस हो जाए जो कॉन्टीन्यूसली सोशल मीडिया पर चल रही हैं और कॉन्टीन्यूसली जो एटलीस्ट मेरी आंखों के सामने आ रही हैं कि छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा आदमी, ये सारे के सारे एक इमोशनल मैं कहूँगी कि जाल में फंसे हुए हैं, जहाँ पर छोटे बच्चे को सिर्फ अपनी एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए, जहाँ पर टीनेज को अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, वहाँ पर वो सारे क्या अफर्म कर रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि खोया हुआ प्यार कैसे वापस लाया जाए। पहली बात, प्यार खो ही गया तो उसको वापस क्या लेके आना, मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियसली। जो प्यार खो जाए वो प्यार नहीं होता। और दूसरी बात ये कि जो आपको करना है जिस समय पे आप वो करिए, यकीन मानिए आपका अपना प्यार आपके पास होगा। और कोई भी चीज़ पकड़ पकड़ के लेके आनी पड़े तो वो आपकी हो ही नहीं सकती कभी भी। ये सिर्फ एक विचारधारा है कि हमें जो है वहाँ से कि भी हम क्या करें ऐसा कि वापस आ जाए, हम क्या करें ऐसा कि वापस आ जाए। ये सारी चीज़ें लोग रो रहे हैं, लोग पीट रहे हैं, किस चीज़ के लिए कि बहुत दिन हो गए नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं हम, या बहुत दिन हो गई हैं हमारी बात नहीं हो रही है, या बहुत दिन हो गए हमारी लड़ाइयाँ हो रही हैं। अरे भाई, क्या मिलेगा इन सारी चीज़ों से आपको? आप छोटे बच्चे हैं, आप अपनी एजुकेशन पे फोकस करिए, आप अपने करियर पे फोकस करिए। चलो मान लिया कि आप सारे के सारे जो है सबको अपना खोया हुआ प्यार मिल गया, हमने अज्यूम कर लिया कि आपको आपका खोया हुआ प्यार मिल गया। आप भी सोचिए एक बार इस चीज़ को, आप बस आप इकट्ठे हो गए हो, ठीक है, खिलाएंगे क्या, घर चलाएंगे कैसे, आपने अपने आप पे तो वो किया नहीं। आटा दाल कहाँ से आएगा? और उन पेरेंट्स का क्या जो आप पर इतने सारे पैसे लगा रहे हैं ये सोचकर कि हम अपने बच्चों को कुछ बेटर दे रहे हैं? 5 साल के बच्चे से लेके 80-90 साल के बड़े बुजुर्ग, हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। ठीक है, माना कि कुछ एक चीज़ें हाथ में नहीं होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप बिल्कुल ही पीछे पड़ जाएं किसी भी चीज़ के। जितने भी अगर मैं छोटी एज की बात करूं तो आप लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान दें, आप गेम्स में पार्टिसिपेट करें, आप जितना हो सकता है सोशल मीडिया से दूर रहें और अपनी करियर पे फोकस करें, तभी जाकर आप कुछ कर पाएंगे। आपने खुद से जस्टिस नहीं किया तो आप क्या सोचते हैं कि आप कुछ बड़ा कर जाएंगे? आपने खुद से प्यार नहीं किया, आप किसी और से प्यार कर रहे हैं, किसी और के पीछे पागल हैं। तो क्या वो बेवकूफ़ है कि वो ऐसे इंसान से प्यार करेगा जो खुद का नहीं है? वो तो खुद से कर रहे हैं। तो बेटर है आप खुद पे वर्क करें, आप खुद से प्यार करें, खुद को इम्प्रूव करें, वो हर एक कमी को दूर करें जो कमी आपके अंदर है। अपने आप को इतना बिल्ड कर लें कि जो खोया हुआ प्यार आप बाबाओं के पास जाकर पा रहे हैं, जो आप मैनिफेस्ट के दौरान पा रहे हैं या अफर्म के दौरान पा रहे हैं, वो एक शॉर्ट टर्म का प्यार आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिल जाए। खुद पे वर्क करिए ना, खुद को इतना बिल्ड कर लीजिए कि किसी भी चीज़ का आपकी लाइफ पर इतना इम्पैक्ट पड़े ही ना कि आपको जो है रोना पीटना पड़े। रोने पीटने से क्या होता है, ऑल ओवर नेगेटिविटी को आप न्योता दे रहे हैं और फिर कहते हैं कि हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप सही टाइम पर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आप अचीव कहाँ से करेंगे? अपनी पूरी एनर्जी खोया हुआ प्यार पाने की बजाय अपनी एजुकेशन पे, अपनी करियर पे लगाएं, डेफिनेटली यू अचीव। एटलीस्ट आप अपने आप को और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं, उनको ये लगे कि उन्होंने किसी गलत बच्चे को पैदा नहीं किया, उनकी उनके संस्कारों में कहीं कोई कमी नहीं है। इतना करिए,
इतना ना करिए कि आप किसी और के पीछे पागल हो रहे हैं और आंख बंद करके बस भागे जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें नहीं करें, वह करें खुद पर। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।